हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं केआरके के बारे में। केआरके का यूट्यूब चैनल है, आपको मालूम होगा, और इनके 675K सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी हाल में एक वीडियो बनाया है ड्रामा क्रिटिक दीक्षा शर्मा के बारे में, जिनका कि यूट्यूब चैनल है फिल्मी इंडियन के नाम से, जो कि मूवीज़ के रिव्यूज़ वगैरह या जो वेब सीरीज़ वगैरह होती हैं इन पर वो रिव्यू करती हैं। अब केआरके ने ये जो वीडियो बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, हर इंसान अपना ओपिनियन रख सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना ओपिनियन दो। आप किसी को जज क्यों कर रहे हो, आप किसी की इंसल्ट क्यों कर रहे हो? आप ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप एकदम बिल्कुल सही हो या वो काम आप नहीं करते हो, तो आप दूसरे को क्यों इस तरह से बोल रहे हो? आपको मालूम है कि केआरके जो है, इन्होंने अभी हाल में कैरी मिनाटी का भी इन्होंने रोस्ट वो किया था, पूरा एक वीडियो डाला था और उसमें रोस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रोस्टिंग नहीं बोलेंगे उसे। रोस्टिंग और कॉमेडी के नाम पे आप किसी को इस तरह से गाली गलौज थोड़ी ना कर सकते हो। ये कहाँ का लॉजिक है? अगर है तो आप मुझे बताइए कि क्या कॉमेडी के नाम पे, रोस्टिंग के नाम पे किसी को भद्दी भद्दी गालियाँ या बॉडी शेमिंग या फैट शेमिंग की जा सकती है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज हम फिलहाल यहाँ बात कर लेते हैं केआरके की। तो केआरके ने कैरी मिनाटी का भी किया, उसके अलावा इन्होंने आशीष चंचलानी का भी किया है, उसमें भी आपने देखा होगा किस तरह से इन्होंने बोला है, पूरा वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे वायरल है। अब इन्होंने दीक्षा शर्मा को पकड़ लिया, ठीक है, फिल्मी इंडियन को, और आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो आप सिर्फ ओपिनियन दो, आप उसमें जज ना करो कि अरे उसको कौन से पैसे देगा किसी चीज़ के बोलने के। अरे आप क्यों जज कर रहे हो? उसको कोई पैसे देगा कि नहीं, फिल्मी इंडियन को, दीक्षा शर्मा को कोई पैसे देगा कि नहीं, आपको इससे क्या मतलब है? आप अपना ओपिनियन दो ना। आप ओपिनियन अगर देना चाहते हो तो आप लॉजिकल फैक्ट्स रखो, पॉइंट्स रखो और उस पर बात करो। आप कंटेंट पे बात करो, अगर आपको कंटेंट में कोई बुराई लगती है, आपको लगता है कि हाँ वो रिव्यू अच्छा नहीं करती हैं या वो अगर क्रिटिसाइज़ करती हैं तो वो सही से नहीं कर पाती हैं, तो आप इस चीज़ पे बोलो, ना कि इस चीज़ पे कि आप बोल रहे हो कि अरे उस बेचारी बेचारी लड़की को, बेचारी वर्ड केआरके ने कम से कम नहीं तो 10-12 बार बोला है, बार बार बेचारी बेचारी बेचारी, मतलब आप उस लड़की को, दीक्षा जी को, फिल्मी इंडियन को, जो भी आप कहें उनको, आप क्यों इतना ज़्यादा दिखा रहे हो कि एकदम वो एकदम उनमें कोई वही नहीं है और वो उस बेचारी लड़की, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हो ना, मतलब उस बंदी के 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लोग उसका वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ठीक है, चलो हो सकता है कि कुछ वीडियोस उनके ऐसे हों जो उन्होंने एकदम ऐसे बनाए हों कि जनता को पसंद ना आए हों, बट ठीक है, मतलब हो सकता है कि उनका ओपिनियन मैटर ना किया हो, उनका ओपिनियन कुछ और हो, जनता का ओपिनियन कुछ और हो, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि अरे वो बेचारी बेचारी बेचारी, अरे वो बेचारी क्यों है यार? आप अब दूसरी चीज़ आप बोल रहे हो कि अरे मेरे तो अभी 675K सब्सक्राइबर्स हैं, उसके 1.8 मिलियन है और मैं 7-8 साल से काम कर रहा हूँ। अरे तो वही बात है ना, आप जब भद्दी भद्दी गालियाँ दोगे कैरी मिनाटी को, आप जब आशीष चंचलानी को भद्दी भद्दी गालियाँ दोगे, आपको क्रिटिसाइज़ करना है तो पॉइंट्स के साथ करो, वैलिड चीज़ बताओ कि हाँ यार ये चीज़ है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ये चीज़ बेटर हो सकती थी या ये चीज़ बेटर होनी चाहिए, तो आई वुड लव टू सी दैट। इस तरीके से आप कुछ बताते वो तो आपने किया नहीं, आप उल्टी सीधी कैरी मिनाटी को और आशीष चंचलानी को गाली दे रहे हो कि उसकी गांड इतनी चौड़ी है, उसने मरवा मरवा के अपनी गांड बड़ी की, ऐसे होता है क्या? ये क्रिटिसाइज करना होता है? आप बताइए। अब इसी तरीके से आपने दीक्षा शर्मा को पकड़ लिया, ये जो बेचारी बेचारी वाली चीज़ है मैंने आपको बता दी, इसके अलावा जो है कि ये कंटेंट पे अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, ये उनको जज कर रहे हैं कि अरे उसको पैसे कौन देगा किसी चीज़ के लिए बोलने के लिए। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और बोला है, वो भी मैं बताऊंगा, जो मुझे वुमेन कम्युनिटी के लिए या मुझे लड़कियों के लिए या स्पेशली दीक्षा या फिल्म इंडियन के लिए बहुत ज़्यादा एक ह्यूमिलिएटिंग और अजीब सा लगा। इसमें इन्होंने एक जगह बोला है कि जैसे कि एक गधा जो है वो नहीं बता सकता कि आप सुंदर हो कि नहीं हो, तो ये तो चलो ठीक है भाई, अवॉइड मारो, इसे एक एग्जांपल दिया उन्होंने। अब इसमें एक जगह ये बोल रहे हैं कि जैसे आप लड़का नहीं हो, आप लड़की नहीं, आप लड़की हो, आप लड़का नहीं हो, आप लड़का नहीं बन सकती, आप लड़की हो। भाई एक बात बताओ, वो लड़की है, ठीक है, वो उसमें उसको प्राउड है, हम लोग को भी प्राउड है कि हम लोग को भी कोई वो नहीं है कि वो लड़की है, वो क्यों बने लड़का? आप मतलब हमारी जो सरकार है, जो हमारी राज्य सरकार है, हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारा जो पूरा देश है, लड़कियों को, वुमेन कम्युनिटी को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा है, प्रमोट कर रहा है, कह रहा है भैया आप आगे आइए, एक जेंडर इक्वलिटी की बात की जा रही है पूरे देश में, और ये केआरके जैसे लोग जो हैं ये उसमें एक भेदभाव पैदा करते हैं, ये मतलब एक डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। आप खुद देखिए, मतलब वो बोल रहे हैं कि अरे भाई तुम लड़का, तुम लड़की हो तो तुम लड़का नहीं बन सकते। अरे भाई तुम लड़के को तुम सुपीरियर क्यों दिखा रहे हो? लड़का सुपीरियर कहाँ से है? लड़का लड़की दोनों सेम है ना, मतलब मेल और फीमेल जेंडर जो है दे बोथ आर इक्वल। ऐसा तो नहीं है कि लड़का इक्वल है, जैसे मैं हूँ तो मैं कोई इक्वल हूँ और कोई लड़की है तो वो नीचे, ऐसा तो नहीं है। तो आप ये चीज़ क्यों व्यूअर्स के दिमाग में डाल रहे हो? जैसे कि आप देखिए इनके जो ये व्यूज़ हैं इस वीडियो पे, 68K व्यूज़ हैं, इतने लोगों ने इनका देखा। अब इसमें से अगर इसके 50% या 20%, मतलब हम कह रहे हैं एक बंदा भी यार
इनकी इस चीज़ से एग्री करता हो, तो आपने उसके माइंड में वो चीज़ डाली ना, उस चीज़ से वो एग्री हुआ ना कि हाँ भाई लड़का ऊपर है, लड़का सुपीरियर है, वो अल्फा मेल है और लड़की जो है वो नीचे है, यानी कि जो फीमेल जो है, फीमेल जो है या जो आपका जो वुमेन कम्युनिटी है वो नीचे है और मेल कम्युनिटी ऊपर है। ये डिफ्रेंसिएशन आप क्यों कर रहे हो, ये भेदभाव आप क्यों सोसाइटी में लाने की कोशिश कर रहे हो? आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, आप अपना ओपिनियन रखो, वैलिड पॉइंट्स दो, बताओ कि हाँ यार मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन आप किसी को इस तरह से नहीं बोल सकते कि अरे भाई तुम लड़की हो तुम लड़का नहीं बन सकते। यार उसे बन नहीं है, वो लड़की होकर के अच्छा कर रही है, 1.8 बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियोस बना रही है, जनता को पसंद आ रहा है, या ना भी वीडियोस बना रही हो, वो जो भी कर रही है वो जैसी है वैसी खुश है, उसमें ना उसके पेरेंट्स को दिक्कत है, ना उसके रिलेटिव्स को दिक्कत है, ना उसको कोई प्रॉब्लम है, वो क्यों बने लड़का? आप क्यों ये कहना चाह रहे हो कि भाई वो लड़की है वो लड़का नहीं बन सकती, उसे बनना ही नहीं है? मतलब इस तरह से ये जो चीज़ इन्होंने जो बोली है कि आर के ने, वैसे तो सबको पता है कि वो ये सब क्यों करते हैं, और मैं अभी एक चीज़ एक वीडियो में और लाने वाला हूँ, उसमें मैं केआरके की पूरी मैं डिस्कस करूँगा कि केआरके क्यों ऐसा करते हैं। मतलब इन्होंने कैरी मराठी के बारे में इतना सब बोला, आशीष चंचलानी के बारे में बोला, अब इन्होंने दीक्षा शर्मा को पकड़ लिया, अभी कल ये किसी और को पकड़ेंगे, पक्का पकड़ेंगे, आप देखिएगा। मैंने पूरा इन पर एनालाइज़ किया, मैंने इनको देखा है, इनकी आदत है ये इस तरह से चीज़ें बोलने की। उसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और बोली है दीक्षा शर्मा फिल्म इंडियन के लिए कि मतलब उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अरे उसने ये मूवीज़ के वेब सीरीज़ के रिव्यू करना शुरू कर दिए, उसे तो कुछ अता पता नहीं है, और मतलब इस तरह से दिखाया है कि मतलब इनको तो बहुत नॉलेज है, ये तो भैया एक्टर है, और उस लड़की को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो बिल्कुल इडियट है, ये ऐसा बिल्कुल वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सोचती होगी कि अरे मैं अगर कहीं जॉब करूँगी तो जॉब मुझे 10-15 हज़ार की मिलेगी, और इससे बढ़िया मैं चलो बैठ करके रिव्यू ही करती हूँ, जो भारत की जनता है वो बेवकूफ़ है, इडियट है, उल्लू की पट्टी है, और वो तो मूवी के रिव्यू देखेगी ही चाहे कोई भी बनाए, तो चलो मैं रिव्यू करती हूँ, ऐसा उसने सोचा होगा फिल्म इंडियन ने, दीक्षा शर्मा ने। भाई एक बात बताओ, आप क्यों जज कर रहे हो ये कि उसने ऐसा सोचा होगा कि अरे मुझे 10-15 हज़ार ही रुपये मिलेंगे? आप क्यों उस बंदी की, उस लड़की की, या वो जो कोई भी इंसान है, लड़की आप छोड़ दीजिए, कोई भी इंसान है, कोई लड़का ही है, आप उस इंसान की जो वर्थ है आप उसको क्यों जज कर रहे हो कि 10-15 हज़ार? आपने 10-15 हज़ार की जगह क्यों नहीं बोला 1-1.5 लाख, या क्यों नहीं बोला आपने 2-2.5 लाख, आपने क्यों बोला? आप उसको क्यों नीचा दिखाने की, नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि 10-15 हज़ार रुपये की जॉब मुझे मिलती तो मैंने सोचा चलो YouTube पे वीडियोस बना के अब मैं यहाँ पे लाखों छापूंगी? क्यों? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर वो YouTube वीडियोस ना बनाए तो मतलब वो बिल्कुल सड़क पे आ जाएगी, उसको 10-15 हज़ार मिलेंगे, और या जॉब अगर वो करेगी तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, 10-15 हज़ार में वो उसको रहना पड़ेगा, और अब YouTube पे वो जनता को बेवकूफ़ बना करके इतना कमा रही है। मतलब आप क्यों इतनी ऐसी चीज़ें आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप अपना ओपिनियन रखने के लिए आपको स्वतंत्रता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है विद इन लॉ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम अगर आपको कुछ बोलने की है तो आप कुछ भी बोलेंगे, आप मतलब कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं दीक्षा शर्मा फिल्म इंडियन के लिए, उससे साफ पता लग रहा है कि मतलब आपको फीमेल कम्युनिटी या जो एक सेक्शन है उससे आपको कितनी दिक्कत हो रही है, आपके माइंड में वो चीज़ मतलब इनग्रेंड है कि आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है फीमेल व्यूअर्स से कि आप जो है आप इस पर बताइए कि आपकी क्या राय है, क्या ये जो चीज़ उन्होंने बोली है क्या ये ह्यूमिलेटिंग नहीं है, क्या ये अजीब सी नहीं है, क्या आपको इसमें कोई एक जो जेंडर को लेकर के जो एक पार्टीशन होता है वो देखने को नहीं मिल रहा है? तो ये आप चीज़ मुझे बताइएगा, और इनका जो लिंक है वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर उसकी क्लिप अगर यहाँ पे दिखाऊंगा तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, ठीक है? तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप मेरे ये जो मैंने चीज़ें बातें की हैं इनसे अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आगे मैं कुछ टॉपिक्स पर बात करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो ना भी पसंद आए तो कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।